हेलो एवरीवन, टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे सीमंस का कुछ इंट्रो जो थोड़ा बहुत रह गया था। कोई नहीं, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुछ भी बच जाए आप उसकी फिक्र मत करो। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, देखो सीमंस है, ठीक है। सीमंस बहुत टाइप के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 200 एंड 300, पहले तो इनके बीच में डिफरेंस बता दूं, या पहले सॉफ्टवेयर का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है गाइस। देखो गाइस, हमारा ना सीमेंस जो जर्मनी का है, ठीक है। अभी फर्स्ट वीडियो हमने बताया, लेकिन उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन बताया कि क्या होता है, 300 में क्या क्या यूज होता है, ठीक है। कोई नहीं, सॉफ्टवेयर जो है ना, ये अभी आता है इस पे। देखो S200 होता है, जैसे जैसे MI का फोन निकला तो सबसे पहले 5, 5S ऐसे आता है, फिर 7, 8, 11, अभी तो अल्ट्रा आ गया। एक ही में अभी ये चीज होती है। वैसे ही आईफोन में भी अगर आता है तो आईफोन अल्ट्रा आ गया, प्रो, प्रो मैक्स, मिनी, आईप्रो, तो ये टाइप हो गए। एक ही चीज के तीन टाइप। वैसे ही S7 यानी सिमेटिक मैनेजर जो सीमेंस 7 है ना, इसको लिखने का तरीका ये है। ये 200 आया था सबसे पहले, ये माइक्रोविन, उसमें सॉफ्टवेयर यूज होता था। और सेम इस 200 स्मार्ट आया था, तो उसमें सॉफ्टवेयर यूज होता था माइक्रोविन स्मार्ट, ठीक है। S300 जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। S400 जो जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है सिमेटिक मैनेजर, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इंस्ट्रक्शन। अगर नहीं देखा तो डोंट फॉरगेट, उसे जाके पहले देखो, उसमें पता चल जाएगा सिमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर यूज करा गया है, ठीक है। उसके बाद गाइस, टाइप तो बहुत सारे होते हैं S7 में, 12, 14, 1500। तो गाइस, इसका मतलब समझे, मैंने PLC में पहले ही आपको बता दिया था कि जितना आगे ये लेटेस्ट बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसकी कॉस्ट तो बढ़ेगी ही। अगर ये इसमें नए फीचर है तो ये नए लोग लेने जाएंगे, और जिनका इन पे काम चल जाए वो इन पे क्यों जाएंगे? बिकॉज हमारे पास पोर्ट ज्यादा होंगे, इनपुट आउटपुट के ज्यादा इंस्ट्रक्शन होंगे, उसमें उसमें ज्यादा वर्क हो सकता है, हमारे पास ज्यादा कनेक्शन हो सकते हैं। ये सब जैसे मैंने बताया था, PLC को हम कैसे लेने से पहले देखते हैं कि इनपुट आउटपुट पोर्ट होना चाहिए, प्रोटोकॉल सब फॉलो होना चाहिए, सब कुछ। तो वो सब वीडियो रखी पड़ी है, उसमें जाके देख लेना, या फिर देखा होगा। तो मैं सब समझाना यही चाहता हूँ कि 200 से 1500 आगे, ठीक है गाइस। तो सिर्फ इतना समझ जाओ कि अभी जो लेटेस्ट इतना चल रहा है, इसके आगे भी आ सकता है इसमें। तो वो तो अपने फोन का रहता है, आज 11 पे है MI, कल 12, 13, 15 कुछ भी निकाल सकता है, वो आगे ही बढ़ेगा ना, कोई पीछे तो जाता नहीं है। और जितना भी आगे का डालेगा तो फीचर भी नए नए आते रहते हैं, ठीक है। विंडो 1, 2, 3, 10, 11 जैसे आया, ठीक है। समझाने का ये एग्जाम्पल थे सब, ठीक है। अब देखो गाइस, इसमें जो यूज होता है TIA यानी प्रोटोकॉल, टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन, यानी ये हाई लेवल का हो गया, इसमें ज्यादा कनेक्शन हो, ये सब चीज। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा जो सीमेंस है जर्मनी का है, ठीक है। ये इसमें 200 300 जो अभी लेटेस्ट में तो ये सब यूज हो रहा है, 400, ज्यादा लोग एडवांस में नहीं जा रहे अभी, क्योंकि ये काफी महंगा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीमेंस है। कॉस्टली है लेकिन बहुत परफेक्ट है, अभी तक के जितने भी PLC है ना, सबसे अच्छा है सीमेंस का, ठीक है। इतना माइंड में डाल देना। अब गाइस देखो, टॉपिक पे चलते हैं, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। देख, जैसे 200 और 300, ठीक है, फर्स्ट वीडियो से ही थोड़ा बहुत कनेक्ट है, क्योंकि अभी इंट्रो पार्ट में ही है थोड़ा ये सब चीज, ठीक है। देखो 200 में 300 स्टार्ट करा है ना, 200। अब देखो 200 और 300 सीमेंस में क्या फर्क है, ये है नॉट डेटाबेस आर फंक्शन। इसमें डेटाबेस फंक्शन नहीं होते, डेटाबेस एंड फंक्शन प्रेजेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्लोअर देन 300, ऑब्वियसली बात है, जो जो ओल्ड होगा वो स्लोअर तो होगा ही, और जो नई चीज बनाएंगे हम उसे फास्टर ही बनाएंगे, कितना भी कर ले, ठीक है। तो फास्टर देन 200, 300 फास्टर देन 200 और स्लोअर देन 300, ये 200 होगा, ठीक है। इसके बाद प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल बताया था मैंने कि ये इसमें यूज होता है PPI, PPI का मतलब पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस, और प्रोटोकॉल इसमें होता है MPI, फर्स्ट वीडियो में, मल्टी पॉइंट इंटरफेस, इसका मतलब यही है गाइस, ठीक है, मल्टी पॉइंट इंटरफेस। उसके बाद गाइस आता है पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस, ठीक है, PPI का फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस, MPI का मल्टी पॉइंट इंटरफेस। तो गाइस इसमें मल्टी यानी बहुत सारे यूज कर सकते हैं, वही बात है, फास्टर है, आगे नई चीज बनाई है तो कुछ ना कुछ सब चीज देख के ही बनाया होगा, CPU अच्छा बनाया होगा, प्रोसेसिंग यूनिट अच्छी होगी उसकी, उसका फीचर अच्छे होंगे, वर्किंग जल्दी करता होगा। ऑब्वियसली बात है, हम फोन भी लेने जाते हैं तो आजकल 2-3 GB रैम तो कम ही हो गए हैं, लोगों को 13-14 GB रैम चाहिए, उसमें मेगापिक्सल, लड़कियों को उसमें चाहिए मेगापिक्सल ज्यादा, कि फोटो वीडियो ये सब निकाल पाए,
तो वही चीज है, जितना भी आ जाए ना वो भी कम ही लगता है और हमें आगे बढ़ना। तो सिंपल सी गाइस, इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था 200 और 300 में फर्क क्या है। ठीक है, 200 300 पे काम करना सीमेंस में वही है, नॉर्मली आसानी है, प्रोग्रामिंग तो सेम ही होती है, लेकिन 200 से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी ना है मेरे पास, वो मैं लाऊंगा। ठीक है, वैसे है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसे टाइप करके फिर वीडियो बनाऊं। लेकिन जो चीज नहीं है, जो कहीं जल्दी मिलती नहीं है, वो चीज मैं हैंड रिटन में ही शो कर सकता हूँ ना। मैं जितना हो सके मैं कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो कुछ भी चीज छूटेगा नहीं, उसकी टेंशन मत लो, बस पूरा वीडियो देखना, ये रहेगा। आप पूरा वीडियो देखने परपस से आप देखोगे ना तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।